हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि आपको कैसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करना है। चाहे आपको MBBS का करना हो, चाहे आपको BDS का करना हो, या चाहे आपको आयुष कोर्सेज का करना हो, हर एक में आपको यही वाले डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। यहाँ पे मैं हर एक चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि फ़ी कितनी रहती है, कौन से कॉलेज की क्या फ़ी है, या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट करने हैं, या उनका जेरोक्स करके आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करना रहता है। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि आपको कौन कौन सा एफिडेविट लगेगा यहाँ पे। जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे एंटी रैगिंग वाला एफिडेविट लगता है, या फादर का होता है, और ये स्टूडेंट होता है इसका भी होता है, और साथ ही साथ गैप सर्टिफिकेट क्या होती है, या DOB कहाँ से आपको लानी है, या प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है, हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ मैं आपको यहाँ पे, ये वीडियो खाली उनके लिए नहीं है जिनको एडमिशन करना है MBBS के लिए या BDS के लिए, बल्कि ये हर एक स्टूडेंट के लिए है जिसको भी नीट का एग्जाम देना है या स्क्वास्ट का एग्जाम देना है, ठीक है ना। क्योंकि हर जगह ना यही डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे एडमिशन कर सकते हो। अब ना यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था इस बार या पिछली बार भी दिया था, लेकिन उनसे नीट का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। बहुत सारे रीजन होते हैं वैसे तो, लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं ना सारा का सारा सिलेबस पढ़ते हैं और तब भी उनसे नीट क्रैक नहीं होता है, तो उनका मेन रीजन यही होता है, उन्होंने रिवाइज अच्छे से नहीं किया होता है। तो रिविजन आपको बहुत जरूरी करना होता है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो इस रिविजन वाली प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा मेमोनीट ऐप के साथ। मेमोनीट ऐप NCERT को लाइन बाय लाइन कवर करती है, और यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन फॉर्मेट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे MCQ, assertion reason, drag and drop, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किए हुए हैं। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूँ यहाँ पे बायोलॉजी की, तो जब आप बायो पढ़ते हो तो आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है यहाँ पे बायो पढ़ना रोज, अगर आप MCQs को प्रैक्टिस नहीं करोगे। और MCQs के साथ भी एक फंडा ये होता है, जब आप MCQ सॉल्व करते हो तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन ना गलत होते हैं, जब आप NCERT पढ़ते हो उसके बाद क्वेश्चन लगाते हो तो हो जाते हैं यहाँ पे गलत। लेकिन यहाँ पे फिजिकल बुक में हमारी प्रॉब्लम क्या रहती है, देखो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो उसके बाद आप क्या करते हो, मार्क करते हो और नेक्स्ट मूव करते हो, मतलब दूसरे चैप्टर पे। तो यहाँ पे आप होता क्या है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे उन क्वेश्चन को अब आप 5-6 मंथ्स के बाद देखते हो, तब तक तो वो वाले क्वेश्चन मतलब आराम से साफ हुए होते हैं, जबकि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इस मेमोनीट ऐप को बहुत दिल से यूज करोगे ना और रेगुलरली यूज करोगे, तो आपको रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलने वाला है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे आपको एक ऐसा फीचर है, जैसे कि मैं अगर बात करूँ, आपने अभी कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और आपसे नहीं बना, आपने 10 क्वेश्चन किए थे, आपसे 2-3 क्वेश्चन नहीं बने, तो वो नहीं बने, अब ये ऐप क्या करती है, उन क्वेश्चंस को याद रखती है। तो जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हो तो ये वो वाले क्वेश्चंस ना फिर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आपको फिर से दिखाता है, अपीयर होता है, और आप देखते हो अच्छा ये क्वेश्चन मुझसे पहले नहीं बना था, तो जब आप अब करोगे ना तो आपसे वो बनेगा। ऐसे ही ना रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे आपको ये क्वेश्चंस मिलते हैं और आप इनको प्रैक्टिस कर पाते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है और आपका जो वीकर सेक्शन है ना वो स्ट्रांग होने लगता है ना। ये आपको भी पता है, मतलब वो वाले क्वेश्चन जरूरी करने होते हैं जो आपसे नहीं बने थे। और हाँ, मेरे पास ना बहुत सारे बच्चों के रिव्यूज आए हैं जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन रिव्यूज है, जिन्होंने भी इस ऐप को यूज किया है उनका स्कोर बहुत तेजी से बूस्ट अप हुआ है, तो आप भी इसको ट्राई करके जरूर देख लो। तो अगर आप में से कोई इस ऐप को लेना चाहता है अपने एग्जाम्स को आसान बनाने के लिए और उसको क्रैक करने के लिए, तो आप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो, और साथ ही साथ आप मेरा कूपन कोड OMER300 यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको एक्स्ट्रा 300 ऑफ मिलेगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पे कल से एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी चलने वाले हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। तो चलिए टॉपिक पे वापस, इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तो ध्यान से देखना वीडियो। सबसे पहले अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं, तो वहां पे आपको पहले ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट लाना पड़ता है जो कि आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, जो भी मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं ना ये सारा कुछ आप डाउनलोड कर सकते हो GMC की वेबसाइट पे। आप लिखो GMC श्रीनगर, वेबसाइट लिखो या कुछ भी लिखो आप गूगल में, तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। वहाँ पे आपको एकेडमिक सेक्शन मिलेगा, या डाउनलोड वाला सेक्शन मिलेगा, या नोट्सेज वाला सेक्शन मिलेगा, मतलब नोटिफिकेशन वाला, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये कॉलेज का इसको कुछ प्रो फॉर्म बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, ये प्रोफाइल फॉर्म। हाँ, तो यहाँ पे आपको JK BOPI नोटिफिकेशन नंबर डालना पड़ेगा, मतलब जब आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगा उसका नंबर होता है, वो यहाँ पे लिखना है, डेट लिखना है, नोटिफिकेशन का सीरियल नंबर लिखना है, जैसे कि आपने देखा होगा BOPI की नोटिफिकेशन पे ऐसा होता है, नीट का रोल नंबर लिखना है। और यहाँ पे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि यह है खाली ये वाला जो फॉर्म है ना, ये UT कोटा के लिए है, ठीक है, और AIQ के लिए ये वाला फॉर्म है। नीट का रोल नंबर आपको लिखना है, नीट की स्टेट रैंक क्या है आपकी, जो कि आपको मिल जाएगी PSL में भी। नेशनल रैंक क्या थी आपको, मतलब ऑल इंडिया रैंक। एडमिशन सेशन कौन सा है आपका, जैसे कि इस साल की अगर हम बात करें तो ये है 2023 से लेके 2024 वाला सेशन है ना।
नेम ऑफ द कैटेगरी अगर आपके पास है, जेंडर क्या है आपका, आधार कार्ड नंबर, रिलीजन क्या है और मदर टंग क्या है यहाँ पे। इसके बाद आपको अपना नेम देना है पूरा का पूरा, जो आपके ट्वेल्थ के मार्क्स कार्ड पे होगा या टेंथ के। पेरेंटेज लिखनी है, वही जो डेटा यहाँ पे लिखना है ना वही आपको वहाँ पे भी होना चाहिए जो आपका मार्क्स कार्ड है, ठीक है। DOB क्या है वो भी रखना है। ट्वेल्थ क्लास एग्जामिनेशन पास रजिस्ट्रेशन, जैसे कि अगर किसी ने 2020 में किया है वो यहाँ पे वही लिखेगा, 21 में ये आपको लिखा रहता है वहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको, मार्क्स कार्ड पे, ठीक है ना। ट्वेल्थ का लिखना है, लेकिन नेम ऑफ ट्वेल्थ का क्लास पासिंग स्कूल, कौन से स्कूल से पास किया था, कौन से बोर्ड से पास किया था, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखना है, जैसे कि आपको टेंथ में मिल जाता है रजिस्ट्रेशन कार्ड एक, वहाँ पे आपको मिल जाएगा नंबर। मार्क्स इन ट्वेल्थ क्लास एग्जामिनेशन मिनिमम कितने थे और मैक्सिमम कितने, मतलब यहाँ पे आपको मिनिमम लिखना है कितना आया है और आउट ऑफ कितनों में से आया था, उसका भी आपको रोल नंबर लिखना है। कंबाइंड मार्क्स क्या है आपके PCB सब्जेक्ट में, टोटल कितने हैं, मतलब 300 होते हैं यहाँ पे और बाकी कितने आए होंगे आपके आपके हिसाब से। इंग्लिश में कितने मार्क्स है वो लिखना है। वेदर रजिस्टर्ड विद यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, मतलब इसका मतलब ये है कि आपने कॉलेज में मतलब एडमिशन लिया था या कोई कोर्स आप वहाँ पे कर रहे थे। परमानेंट एड्रेस क्या है आपका विथ पिन कोड, तहसील कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। और हाँ, यहाँ पे फीस का मसला है, फीस मैं आपको बता दूँ, हमारे कॉलेज में ज़्यादा फीस होता है, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू बाकी कॉलेजेस, वो मैं आपको दिखा दूँ। पहले आपका फ़ी जो होता है वो इतना लिखना है 34,215, जबकि बाकी कॉलेज का 26,250 होता है, ठीक है। और ये हॉस्टल फ़ी के अलावा, मतलब हॉस्टल फ़ी इसमें इंक्लूड नहीं होता है। और इस वाले पे आपको ये भरना पड़ता है इस वाले अकाउंट पे, ये आप यहाँ से भी कर सकते हो। अगर आप ये वाली फ़ाइल डाउनलोड करोगे ना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो उसमें आपको ऐसा कुछ मिलेगा, इसको आपको प्रिंट आउट निकालना है, कलर्ड नहीं ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट चाहिए इसका, फिर उसको भरना है। और अकाउंट नंबर इसमें अगर आप GMC श्रीनगर में एडमिशन ले रहे हो तो आपको ये वाला देना पड़ेगा यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे। तो अब इसके बाद फी आ गया, ट्रांजैक्शन ID भी इस पर लिखी रहती है जो कि आपको बैंक वाले ही देंगे वहाँ पे, और डेट, और उसके बाद आपको सिग्नेचर करना है। कीप ए कॉपी ऑफ चेक लिस्ट अटैच्ड विद दिस फॉर्म, अच्छा जो भी आप डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करोगे ना, मतलब भरोगे वहाँ पे, उनका आपको पहले मतलब ये करना है, प्रिंट आउट निकालना है। ऐसा मैंने भी किया था, मतलब उनकी जो ये होते हैं ना फोटो स्टेट, वो रखना पड़ता है। और ये है AIQ वालों का, इनका भी सेम ही है ऐसे। अब ये है चेक लिस्ट की, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड विद स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर्म, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रखना पड़ेगा, ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स आपको सबमिट करना पड़ेगा वहाँ पे। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर या AIQ वाले बच्चों के लिए, और यहाँ पे जो सिलेक्शन नोटिफिकेशन UT की है वो तो पता ही है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट होता है। रैंक लेटर या NEET रिजल्ट कार्ड, एडमिट कार्ड इशूड बाई NTA। उसके बाद है 4 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ नेम, विथ नेम आपको फोटोज़ जब आप उठाओगे ना तो उसको बोलना है कि इसमें आप नेम भी फिल करो नीचे, ठीक है, पूरा नाम। और यहाँ पे भी आपको एक फ़ोटो डालनी है पासपोर्ट साइज़ विथ नेम, तो ये 4 आपको रखनी पड़ेगी। मैट्रिकुलेशन या DOB सर्टिफिकेट, मैट्रिक वाली जो सर्टिफिकेट होती है टेंथ की वो भी चलेगी, या अगर आपके पास DOB है जो कि JK BOP वाले देते हैं, या अगर पुलिस स्टेशन से किसी को निकालना है तो वो भी निकाल सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कुछ लोगों के पास नहीं होती है। तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे मैट्रिकुलेशन भी चलती है, या अगर आपका मार्क्स कार्ड है वो भी चलता है, ठीक है। ऐसे 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, डोमिसाइल वो भी रखनी है, या रेजिडेंस प्रूफ, इसको क्या बोलते हैं RPC, स्टेट सब्जेक्ट बोलते हैं उसको। कैटेगरी सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मतलब आधार कार्ड, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप CBSE या ICSE बोर्ड से हो तो आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये तो मुझे नहीं देनी पड़ी ये फिटनेस वाली सर्टिफिकेट, मे बी ये PWD वालों बच्चों के लिए होगा। वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप PNB से एडमिशन ले रहे हो तो। डिस्चार्ज, ये तो वैसे नहीं लगेगी यहाँ पे GMC श्रीनगर में, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है इसका यहाँ पे, ये SCOMS में चलता है, वहाँ पे फ़ी कम होता है। डिस्चार्ज या ट्रांसफर से फी रिसेप्ट। और अब रही बात यहाँ पे एंटी रैगिंग एफिडेविट्स की, स्टूडेंट का, दूसरा पेरेंट का, प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉलेज, ये आपको नीचे में दिखाऊंगा क्या है। टाइम गैप एफिडेविट एप्लीकेबल फॉर दोज कैंडिडेट्स हुए टाइम गैप ऑफ 1 ईयर और मोर बिटवीन पासिंग 12th क्लास एंड, अच्छा ठीक है, पहले तो ये नहीं मांग रहे थे यहाँ पे क्योंकि मैंने खुद नहीं भरी है, वरना मेरा भी ड्रॉप हुआ था। तो यहाँ पे एक टाइम गैप एफिडेविट बनाना पड़ेगा, ये भी आपको वही बना के देगा जो वहाँ पे है ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फोटो स्टेट वाला होता है और वही बना के देता है ये सारे के सारे एफिडेविट्स, ठीक है ना। मैं दिखाऊंगा अभी फॉर्मेट क्या है उनका और आपको कैसे बनाना है। सर्विस बॉन्ड, ये खाली UT लद्दाख, मतलब जो लद्दाख वाले बच्चे उनके लिए होता है ये सर्विस बॉन्ड,
ये आपको जेके बोपी की वेबसाइट पे मिलेगा, उनके इन्फॉर्मेशन ब्रोचर पे शायद। एनी अदर एफिडेविट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स बॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड बाय जेके बोपी, ये तो पता ही है। ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी प्रोवाइड इन अ क्लोज्ड प्लास्टिक, और हाँ जब आप डॉक्यूमेंट्स लाओगे ना तो इसका एक प्लास्टिक बैग लाना, उसी में रखना क्योंकि सेफ रहता है। और जेरॉक्स कॉपी के लिए आपको प्लेन फाइल कवर होना चाहिए। वो जो स्टूडेंट का प्रोफाइल फॉर्म है उसको बहुत क्लीन लिखना, आप ऐसे नहीं लिखना मतलब जैसे कि श्रीनगर का SGR करोगे, वैसा नहीं चलता है, पूरा नाम लिखना। देखो ये है एफिडेविट टू बी अटेस्टेड बाई फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। तो आपको जाना है यहाँ पे है हमारे JK फोटो स्टेट है GMC श्रीनगर के पास, वो बना के दे देता है आपको, उसको ये वाला दिखाना है, ये वाली PDF बोलना, इस हिसाब से मुझे एफिडेविट बना के दो, वो सारे के सारे एफिडेविट्स बनाता है, 300-400 रुपया लेते हैं वो। लेकिन ये नहीं समझना रैगिंग नहीं होगी, रैगिंग क्या मतलब, यहाँ पे नाम वाम पूछते हैं फिर तब भी, आप चाहे कितना भी लिख दो। ये पेरेंट की तरफ से है, दूसरी एंटी रैगिंग वाला सिस्टम है। और ये है एफिडेविट टाइम गैप वाला, ये भी वही बना के देगा, इसकी टेंशन मत लो आप कहीं कहाँ से बनाएंगे, तो ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ से। और बाकी ये रहा अगर जम्मू की बात करें तो उनका भी मैं आपको दिखाऊँ, तो ये रहा जम्मू वाले बच्चों के लिए, उनका भी सेम ये देखो, सारा का सारा सिस्टम सेम ये। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो मैंने वहाँ पे बताई, स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट, ये तो सारा कुछ वही है। और यहाँ पे होता है वो क्या बोलते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जब आप मतलब 12th पास करते हो तो उस टाइम पे आपको फिर स्कूल में दिया जाता है एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उसी पे कैरेक्टर भी होता है सारा कुछ लिख के, और साथ ही साथ वहाँ पे मार्क्स काट देते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ से आपको कलेक्ट करना है, अगर अभी नहीं भी है तो बाद में भी दे सकते हो आप, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे फ़ी है 26,250, और यहाँ पे दो ही फोटोग्राफ्स चाहिए पासपोर्ट साइज़, एफिडेविट गैप वैप ये सारा कुछ लिख के, मतलब वैसा वैसा ही जैसे मैंने आपको बताया। ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट के लिए यहाँ पे ये है फॉर्म वॉरम कुछ, ये आपको GMC की वेबसाइट, GMC जम्मू की वेबसाइट पे मिल जाएगा ये वाली चीज़, ठीक है। ये रहा एफिडेविट, ऐसा एफिडेविट आपको वो JK फोटो स्टेट भी बना के देगा अगर आपको यहाँ पे भरना पड़ा तो। ये रैगिंग वाला है और गैप वाला है, ठीक है। तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डेटा अभी आने वाला है आपके नीट एग्जाम्स के रिलेटेड, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी और वो भी 100% करेक्ट। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।